हम ये सब क्यों कर रहे हैं या ये सब समझने की क्या जरूरत है, सो उसका बेसिक्स क्या है. सो बेसिक्स है कि वी वांट हमारी जो मदर्स और नियोनेट्स जो मर रहे हैं, जो डेथ रेट है या इंट्रा यूट्राइन डेथ है, व्हेन द चाइल्ड इज इन यूट्रो और इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर, या जब लेडी प्रेग्नेंट है तो जो इंट्रा यूट्राइन डेथ्स हो रही है उनका रेट हमें कम करना है. तो मदर्स में जो डेथ्स का मेन रीजन है वो है एंटीपार्टम हेमरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ब्लीडिंग होती है. देन इंट्रापार्टम मीन्स जो एंटीपार्टम इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रापार्टम इज ड्यूरिंग डिलीवरी. देन ऑन द डे व्हेन मदर इज डिलीवरिंग, उस दिन जो डेथ्स हो रही हैं, एंड आफ्टर बर्थ पोस्टपार्टम डेथ्स हो रही है. सो ये सबको हमें, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा एम है कि ये सारे डेथ रेट्स को हमें कम लाना है. सिमिलरली जो न्यूनेट्स हैं, न्यूनेटल पीरियड होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ बेबीज लाइफ, उसमें जो डेथ्स होती हैं या जो इंट्रा यूट्राइन डेथ्स हैं, सो इंट्रा यूट्राइन डेथ इज जब मदर प्रेग्नेंट है और अंदर कहते हैं कि बेबी खत्म हो गया. सो वो सब चीजें, उसमें क्या क्या रीजंस हैं, उन सब डेथ रेट्स को हमें कम लाना है. सो दैट इज आवर एम. सो दीज आर द वेरियस रीजंस व्हाई मदर्स आर डाइंग. ब्लीडिंग से मर रही हैं, हेमरेज से, सेप्सिस से 11%, देन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर मतलब ब्लड प्रेशर हाई, देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, देन अबॉर्शन के दौरान भी 8% डेथ्स हो रही हैं, एंड देन देर आर 31% अदर कॉजेस विच आर नॉट डिफाइंड. देन हेमरेज अगर हो रहा है इज वन ऑफ द कॉज. हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसको प्रिवेंट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया करके, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करके, जिस दौरान मदर प्रेग्नेंट है या उससे पहले. तो हमारा एम होता है कि हम मदर को जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन शी इज कमिंग टू यू बिफोर प्रेगनेंसी, उस टाइम से वो काउंसलिंग शुरू हो जाती है कि खाने में क्या चेंजेस करने हैं, अगर एनीमिया है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो ये लेटर ऑन ये सब हेमरेज को प्रिवेंट करेगा. देन इन्फेक्शन स्क्रीन, तो 11% मदर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ सेप्सिस. तो अभी सेप्सिस से अगर मदर्स इतनी मर रही हैं तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो हमें बेसिकली अगेन न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना है और इन्फेक्शन स्क्रीन करना है. देन ब्लड प्रेशर का चांसेस कम रहे बढ़ने का, वो कैसे कम कर सकते हैं? बाय गिविंग कैल्शियम सप्लीमेंटेशन. और कभी भी अगर प्रेग्नेंट होने से पहले ही लेडी को ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका ट्रीटमेंट करके. देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जब लेडी डिलीवर करती है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आप सबने सुना होगा कि बच्चा पेल्विस में फंस गया, तो वो सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जब मदर को एंटीनेटल टाइम पे देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर बेबी साइज बहुत बड़ा है या मदर की हाइट बहुत छोटी है, तो ऐसे केसेस में हम सस्पेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ना हो जाए. देन फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग अगर आप करेंगे तो आप एबॉर्शन रिलेटेड डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली आवर एम. सिमिलरली फॉर न्यूनेट्स ऑल्सो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, देन बनावटी खराबी जो बच्चों में निकलती है तो टाइमली किस किस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, वो सब हम इसमें सीखेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू स्टैंडर्ड वन, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मधु गोयल, who is associate director at Fortis La Farm Hospital. She is one of the senior obstetrician and gynecologist here. She will be taking standard one. So over to Dr. Madhu. Dr. Madhu, would you like to share your screen? Yeah. Thank you, Dr. Sunita. Yeah, most welcome. Just give me 1 minute, please. Good afternoon, everybody. It's heartening to see so many centers opting for Manyata. So, जैसे कि डॉक्टर सुनीता ने बताया, इस सेशन में हम सीखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है एंटीनेटल केयर के, मतलब जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है कुछ कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो रूटीन है, जो हमें चेक करनी चाहिए. And these are actually very important क्योंकि antenatal period में अगर हम सावधान रहेंगे, अगर हम अपने investigations ठीक से कर पाएंगे तो हम ना सिर्फ death prevent कर सकते हैं, but we can also give you a healthy mother and a healthy baby. तो सबसे पहले important है screen for anemia. We all know कि anemia बहुत common है इंडिया में.
तो हीमोग्लोबिन टेस्ट हर ट्राइमेस्टर में कम से कम एक बार ही होना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स की होती है तो हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर, आगे हम चल के बताएंगे कैसे स्क्रीन करेंगे, वी आर जस्ट एन्यूमरेटिंग द कॉजेस। सो ब्लड प्रेशर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, इट शुड बी चेक्ड रिपीटेडली, और इसके लिए हमें एक फंक्शनल बीपी एपरेटस चाहिए और एक स्टेथोस्कोप चाहिए, और हर एंटीनेटल विजिट पे हमें ब्लड प्रेशर जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए और वो उसके एंटीनेटल कार्ड पे हमें लिखना चाहिए। और अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा आता है तो हमें प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिया आता है तो पेशेंट हाई रिस्क में चला जाता है, मतलब हम उसका प्री एक्लेम्सिया डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर डायबिटीज, सबने सुना होगा कि इंडिया में डायबिटीज का रेट बढ़ता जा रहा है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी हमें डायबिटीज ज्यादा दिखाई दे रही है, और डायबिटीज इन प्रेगनेंसी कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उससे बेबी का वेट बड़ा हो सकता है, डिलीवरी में डिफिकल्टी हो सकती है, बच्चे में अनामलीज हो सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया है कि हमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना चाहिए। दिस इज अ सिंगल स्टेप क्राइटेरिया, बहुत थोड़े टाइम पहले हम दो स्टेप्स में टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अभी सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में आप पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे और 2 घंटे का वैल्यू लेंगे। दिस हैज टू बी डन एट द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, मतलब आपके पास पेशेंट जब भी आ रही है पहली विजिट में आप ये टेस्ट करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उसने खाना खाया है या वो फास्टिंग है, यू हैव टू डू दिस टेस्ट। और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपको ये टेस्ट रिपीट करना है एट 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एचआईवी स्क्रीनिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट, एड्स के लिए हम एचआईवी टेस्टिंग करते हैं और दिस इज ऑल्सो डन एट द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। और अगर हमें लगता है कि क्योंकि एक विंडो पीरियड होता है जब हम टेस्ट करते हैं, मे बी द टेस्ट इज नेगेटिव, पर अगर हमें लगता है कि उसका हस्बैंड पॉजिटिव है या पेशेंट में कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर है तो हमें उस विंडो पीरियड के बाद ये टेस्ट रिपीट करना होता है। स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस, आजकल तो बहुत कॉमन नहीं है सिफिलिस, लेकिन फिर भी रूटीनली रिकमेंडेड है कि हम फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में वी शुड टेस्ट हर फॉर सिफिलिस, और अगर हमें लगता है कि पेशेंट हाई रिस्क है तो हम ये टेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा रिपीट करेंगे। मलेरिया का टेस्टिंग ओनली अगर एंडेमिक एरिया है, अगर लगता है कि मलेरिया उस सीजन में फैल रहा है तो हम मलेरिया की टेस्टिंग करेंगे। ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेशेंट्स, सो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इससे एक तो आपको आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में पता चल सकता है, और दूसरा जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम वो ब्लड ग्रुप अरेंज करके रख सकते हैं एडवांस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और यूरिन इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई होता है, मतलब बिना सिम्टम के पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और ये यूरिन इन्फेक्शन बच्चे में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, उसको ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, इसलिए हम या तो यूरिन कल्चर के थ्रू, यूरिन ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, या डिपस्टिक टेस्ट, अगर आपके सेंटर पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो यू कैन डू अ डिपस्टिक टेस्ट फॉर नाइट्राइट ड्यूरिंग ईच एंटीनेटल विजिट। सो इससे पहले कि हम प्रॉपर एंटीनेटल केयर पे जाएं, जस्ट अ वर्ड फॉर कोविड टेस्टिंग एट दीज टाइम्स, हमें कोविड के समय क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक तो क्राउड मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ओपीडी में आप जो भी अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं वो वेल टाइम्ड होनी चाहिए, प्रॉपर उसके बीच में गैप होना चाहिए। आस्क द पेशेंट्स कि आप मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंट्स आए उनके साथ, ये नहीं कि दो दो तीन तीन आ रहे हैं एक पेशेंट के साथ, और वार्ड में जो आपके आईपीडी पेशेंट्स हैं उनके साथ भी आप लिमिट करिए नंबर ऑफ अटेंडेंट्स, या तो वन या नो अटेंडेंट एंड नो विजिटर्स। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो, और इसको आईपीडी सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास एक ट्राइज एरिया होना चाहिए। ट्राइज एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट इनिशियली आता है और वहां से हम पेशेंट को डायरेक्ट करते हैं कि कहाँ जाना है। सो दीज पेशेंट्स कैन गो टू द आईपीडी, टू द लेबर रूम, टू द ओटी और टू द आइसोलेशन वार्ड। अगर कोविड पॉजिटिव है तो दे विल गो टू द आइसोलेशन वार्ड, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर
administrative controls होने चाहिए. We should train our staff and we should keep a check. It is not enough to train. We also need to keep a check कि staff हमारी instructions follow कर रहा है. और proper arrangement होना चाहिए PP kit का, hand sanitizers का. We should also arrange for referral. क्योंकि obviously हमारे centers में ऐसा नहीं है कि हम हर patient manage कर सकते हैं. So ambulance services होनी चाहिए. और अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट हमारे सेंटर पे नहीं मैनेज होता तो वी शुड इनिशिएट अ रेफरल. तो हमारा किसी हायर सेंटर के साथ टाई अप होना चाहिए. एंड टू प्रिवेंट ट्रबल वी नीड कम्युनिटी टाई अप. इसका मतलब हमें लोकल लीडर से बात करके रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारा जो सेंटर है इट कैन हैंडल अप टू दिस. इसके बियॉन्ड हमें रेफरल करना पड़ेगा, हम इसके बियॉन्ड ये पेशेंट नहीं हैंडल कर पाएंगे. प्लीज रिमेम्बर जितने भी पेशेंट्स आते हैं दे आर ऑल ट्रबल्ड. ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल अपनी खुशी से नहीं आता. अगर कोविड है तो दे आर क्वाइट ट्रबल्ड, दे आर ऑल्सो फियरफुल. तो आप उनको आराम से हैंडल करिए. और बेसिक इसमें वो रहता है कि यू हैव टू बी फर्म बट यू हैव टू बी स्वीट. एंड इफ यू कैनॉट हैंडल द पेशेंट प्लीज रेफर द पेशेंट. सो हमारे ट्राइज एरिया में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए. एक तो जो हमारे सिग्नाजेस हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए. वी शुड क्लियरली पुट द लेबल्स कि हमारा ट्राइज एरिया कहाँ है. और हमको एक एल्गोरिथम बनाना चाहिए कि ट्राइज एरिया में आने के बाद हम पेशेंट की क्या टेस्टिंग करेंगे और कौन सा पेशेंट कहाँ रेफर होगा. हर पेशेंट को एक स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर देना चाहिए जिसमें जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक हिस्ट्री ऑफ फीवर एक्सेट्रा वो हम उस क्वेश्चनेयर में डाल सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स इस टाइम पे चेक करने चाहिए. पीपी अवेलेबल होना चाहिए फॉर द स्टाफ, फॉर द अटेंडेंट्स इफ रिक्वायर्ड. और हैंड हाइजीन इक्विपमेंट इज अ मस्ट इन दीज टाइम्स. सो इसके अलावा वी नो कि वी नीड अ थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर वेस्ट बिन्स होने चाहिए. बिकॉज अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो ये और लोगों को फैल सकता है. तो उसकी डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग का हमारे पास प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. सो प्रेफरेबली ये जितने भी सिग्नाजेस हैं ये लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए. और जैसे डॉक्टर सुनीता ने बोला इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल शुड बी देयर एट ऑल द प्लेसेस. सो इन द ओपीडी, द ओपीडी शुड बी मैन्ड बाय ट्रेन स्टाफ preferably wearing a PPE and they should ensure that जो भी individual hospital premises में आता है चाहे वो healthcare worker है चाहे patient है चाहे attendant है they are wearing a mask and they are wearing the mask properly. मतलब उनका mask nose के ऊपर होना चाहिए because we see a lot of patients who come or their attendants they don't wear the mask properly. All patients entering your hospital उनकी screening करनी चाहिए. You should check the temperature, the history of the patient, whether they have history of fever या कभी कभी travel की history important हो सकती है. And all this should be documented on the OPD sheet. So ensure that whoever enters या leaves your hospital, मतलब जो भी अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है वो hand sanitizer use कर रहा है या अपने हाथ ठीक से धो रहा है. That is very very important. So during the OPD maintain distances between the patient. ये एक seating arrangement है जहाँ पे we have encouraged people to sit separately. मतलब social distancing maintain करना जरूरी है. So coming back to antenatal care, which is the focus of this lecture. तो antenatal care क्या है? Antenatal care pre-pregnancy care है. It is the systematic care of women during pregnancy to monitor the progress of fetal growth and to ascertain the well-being of the mother and the fetus. मतलब सिंपली पुट हम एक सिस्टम से एक तरीके से हर पेशेंट को देखेंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे ताकि हम मदर की वेलबींग, मदर ठीक रहे और बेबी की वेलबींग दोनों हम इंश्योर कर सके. सो मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स शुड बी एटलीस्ट 4. ठीक है, फर्स्ट विजिट विद इन फर्स्ट 12 वीक्स. मतलब पहले 3 महीने में पहली विजिट होनी चाहिए. And it should be as soon as the pregnancy is suspected. क्योंकि जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम ये सारी अपनी checklist कर सकते हैं, plus हम कोई भी complication है तो handle कर सकते हैं. Second visit should be between 14 and 26 weeks. Third visit between 28 and 34 weeks. And the fourth visit
should be between 36 weeks and term. And we should tell the patient कि अगर कोई भी problem है तो उसको she should come to the hospital sooner. ये नहीं है कि अपनी visit के लिए wait कर रही है. So the components of antenatal care. General assessment and screening test. मतलब हम अभी आगे देखेंगे हमें basic testing कौन सी करनी है. इससे हम patient को एक low risk pregnancy या high risk pregnancy में categorize कर सकते हैं. Prophylaxis. So prophylaxis is जो हम उन्हें medicines देते हैं iron, calcium to prevent anemia या हम tetanus का injection देते हैं. Appropriate interventions. अगर कोई भी patient मान लो हमें कोई भी हाई रिस्क लगती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज तो हम उसमें जो भी रिक्वायर्ड इंटरवेंशन है मेडिकल इंटरवेंशन है या इन्वेस्टिगेशंस है वो हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं. काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट को हर चीज बताना उसकी डाइट द लेवल ऑफ एक्सरसाइज शी शुड फॉलो एंटीनेटल केयर कैसे आगे करनी है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्थ प्रिपेयरनेस इसका मतलब है कि हम पेशेंट की तैयारी करेंगे कि वो जब लेबर में आएगी तो उसे क्या करना है कैसे करना है और उसकी लेबर में वो क्या एंटिसिपेट कर सकती है वो कैसे सोचती है कि आगे उसका कैसे चलेगा. सो एंटीनेटल स्क्रीनिंग जो होती है इट इज अ प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग. सो बहुत सारी चीजें हमें मदर की हिस्ट्री से पता चलती है. एज प्रीवियस प्रेगनेंसी कैसे रही प्रीवियस प्रेगनेंसी का आउटकम क्या रहा. Assessing and investigating pregnant mothers to identify the possible presence of undiagnosed disease. मतलब history के अलावा हम उनकी checkup करेंगे हम investigations करेंगे ये पता करने के लिए कि patient low risk है या high risk है और कुछ ऐसा तो नहीं है जो पहले से हमें पता नहीं है. So regular and routine antenatal care is important for identification of high risk pregnancies by proper history checking, examination and some screening tests. Early detection and timely management of these high-risk pregnancies can prevent adverse pregnancy outcome. इस सब कर सब चीज करने का reason डॉक्टर सुनीता ने बताया था कि इससे हम कोई भी adverse outcome, any maternal death, fetal death या any problem in labour या antenatal वो हम prevent करना चाहते हैं. So let us say कि एक patient she is 30 years old. Who realized that she has just missed her period since last 3 months. She arrives at your clinic for a checkup. Wo aapke paas aayi hai. What will you do and why? So does anybody want to answer? So, aap kya check karenge? So these are the basic things. We'll check for the hemoglobin. It should be 11 or more. Agar kam hai, to we will classify her as an anemic patient. And this has to be checked at every visit. Urine albumin or sugar. So both should be absent. And this also should be checked at every visit. Aur isse hume pata chalta hai ki maybe hypertensive disorder hai pregnancy ka. Agar patient ka blood pressure zyada hai aur urine albumin 2 plus ya zyada hai, to it patient will classify as a high risk pregnancy. Gestational diabetes, agar usme sugar zyada hai urine mein, to it can alert us ki hame blood test karna hai. Koi bhi infection in urine, kisi urine infection mein bhi proteins ho sakte hain, to hum urine culture kar sakte hain uske liye. Blood group, so normal blood groups hum sabko pata hai. It has to be done at the first antenatal contact. जब भी patient आपके पास पहली बार OPD में आ रही है, हर patient के लिए please ensure कि आप blood group test जरूरी कराएं. और इससे दो चीजें होती हैं. एक तो हमें पता चलता है कि patient can be Rh negative. और दूसरा at the time of delivery we can arrange blood for the patient. HIV testing. इसकी testing की report आती है reactive या non-reactive, positive या negative. So basically, it tests for HIV infection and it has to be done at the first visit. So hepatitis B and hepatitis C, again, it has to be done at the first antenatal visit and it will tell us whether the patient has any hepatitis in the blood. Or iski report aati hai as reactive and non-reactive. So these are all actually jo humne shuru mein standard criteria padhe the, unki testing कैसे होती है वही है. सो VDRL इज बेसिकली फॉर सिफिलिस
ऑफ फर्स्ट एंटीनेटल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए. इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हमने शुरू में पढ़ा था कि हम ग्लूकोज देते हैं 75 ग्राम टू एनी पेशेंट और उसके 2 घंटे बाद हम ग्लूकोमीटर से टेस्टिंग कर सकते हैं. और अगर ये वैल्यू लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो बिल्कुल ठीक है. अगर मोर देन 140 है तो द पेशेंट इज क्लासिफाइड एज गेस्टेशनल डायबिटीज. ये टेस्ट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे होना चाहिए और अगर नेगेटिव है तो हमें उसे रिपीट करना चाहिए एट 24 to 28 weeks. सो मलेरिया की टेस्टिंग पेरिफेरल स्मियर से होती है. इट शुड बी अ नेगेटिव टेस्ट फॉर प्लाज्मोडियम. और ये हमें नेचुरली मलेरिया की टेस्टिंग मलेरिया के बारे में बताया गया. इट शुड बी डन ओनली अगर एंडेमिक एरिया है या किसी को फीवर आ रहा है. सो अल्ट्रासाउंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट. हमें 2-3 चीजें पता चलती है. 1, इट इज एन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है तो वो बहुत जरूरी होता है हमें पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है. अगर बाहर होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज एन इमरजेंसी. इट इज अ लाइफ फीचर्स, मतलब प्रेगनेंसी अंदर बिल्कुल ठीक चल रही है. और अगर 18 to 20 weeks की प्रेगनेंसी है तो ये उसमें हमें कॉन्जिनिटल अनामली स्क्रीन करनी होती है. सो द रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड एटलीस्ट डू 1 अल्ट्रासाउंड एट बिटवीन 18 to 20 weeks. थायराइड फंक्शन टेस्ट इज अगेन वेरी एसेंशियल. इंडिया में थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.6 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. एंड इट इज अगेन डन एट द फर्स्ट एंटीनेटल कॉन्टैक्ट एंड इट हैज टू बी डन फॉर ऑल पेशेंट्स. और अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम निकलती है, वी हैव टू पुट हर ऑन मेडिकेशन एंड देन फॉलो अप द पेशेंट विद रिपीट थायराइड टेस्टिंग. तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. सुनीता इज अ प्रेग्नेंट वुमन विद 12 वीक्स गेस्टेशन. शी हैज कम टू योर क्लिनिक फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप. आपको यू वॉन्ट टू रूल आउट गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. कैन समवन आंसर मी वॉट टेस्ट विल यू डू? Anybody? बोलो. अरे बोलना. Anybody घबराइए मत. The first test urine albumin. Is 75 gram OGT. Correct. 75 gram OGTT. So the equipment which is required for this is glucose pouches. मतलब आपके पास 75 gram glucose pre-measured पाउच के अंदर होना चाहिए. यू विल नीड अ मेजरिंग फ्लास्क और अ जार एंड ड्रिंकिंग वाटर 300 ml पर टेस्ट. डिस्पोजेबल ग्लासेस एंड स्टरर्स 1 each पर टेस्ट. अब 300 ml ड्रिंकिंग वाटर में 75 ग्राम ग्लूकोज मिक्स करके पेशेंट को देंगे पीने के लिए. सो फिर टेस्टिंग के लिए आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए? ग्लूकोमीटर विथ कैलिब्रेशन फ्लूइड और कैलिब्रेशन टेस्ट स्ट्रिप्स. Sterile lancet, cotton, water swab or wipes, 1 per test. So, आप cotton से wipe करके, lancet से prick करके, glucometer से testing करेंगे. और yellow, red and black dustbins to dispose of all this material. And a puncture proof container. And you will need to record these results. So, उसके लिए हमें एक register चाहिए होगा. So, it is a very important test. It needs to be done at the first visit, and if it is negative, it needs to be done repeated at 24 to 28 weeks. So, testing for diabetes mellitus at first visit, 75 gram OGTT in 300 ml water. 2 hours later, you test the plasma glucose level. If it is 140 or more, then the patient is classified as gestational diabetes. हम बोलेंगे इस patient को diabetes है, and you have to manage as a diabetic patient. If it is negative, that means the report is less than 140, you will repeat the test at 24 to 28 weeks. Or agar positive hai, again the patient is classified as a diabetic patient. Agar negative hai, so you go ahead and manage her as a normal antenatal patient. So next, coming on for asymptomatic bacteriuria. It is commonly defined as presence of more than
10 to the power 5 organisms per ml in a urine sample and absence of symptoms of infection. Pregnancy mein asymptomatic bacteriuria bahut common hota hai. So you have to do this test. Iska matlab hota hai patient ko koi bhi urine infection ka symptom nahi hai. Lekin jab aap test karenge to usme infection niklega. To usually hum urine culture se we diagnose bacteriuria. But agar nahi hai to you can do a urine gram staining. Or you can do a dipstick test for nitrite and leukocytes. So how will we classify the patient as high risk? Now we have said ki hum ye testing karenge, ye hamari antenatal care hai. Is ye sab karne ke baad we should be able to say ki ye patient low risk hai ya ye patient high risk hai. So jab hum patient ko high risk classify karte hain, so it can be based on the previous pregnancy history. मतलब अगर वो पहले से कोई उसका बच्चा है तो we can find out कि उसकी pregnancy में क्या particular problems रही हैं. It can be based on existing chronic illness. मान लीजिए अभी उसको कोई medical issue है, that can put the patient as high risk. या it can be based on current pregnancy screening. मतलब ये जो हमने इसमें से test करे हैं इसमें कोई problem आती है. So this is based on the previous pregnancy history. More than 4 pregnancies, cesarean section or any uterine surgery. Any patient who has a previous cesarean is classified as a high risk pregnancy. Pehla bachcha low birth weight raha hai, preterm tha ya IUGR tha, that will classify the patient as a high risk pregnancy. Ya wo patient ka baby, the baby had an early neonatal death, matlab thode din baad bachche ki death ho gayi, still birth. या बर्थ एस्फिक्सिया मतलब होते होते उसको कुछ प्रॉब्लम हुई. चाइल्ड विद कॉन्जिनिटल अनामलीज मतलब बचपन से कोई अनामली रही है बच्चे को. एपीएच या पीपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई थी या पीपीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिलीवरी करते वक्त अगर पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ ब्लीडिंग हुई एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई सो वी हैव टू कीप अ नोट ऑफ दैट. पहली प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर था सिंपल ब्लड प्रेशर था विदाउट एनी प्रॉब्लम प्री एक्लेम्सिया था या पेशेंट को फिट्स पड़े थे पेशेंट एक्लेम्टिक था. रिपीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब उसको बार बार अबॉर्शन हुआ मोर देन 3 टाइम्स. कंसीव्ड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स मतलब पोस्ट आईवीएफ ऑल पेशेंट्स आर क्लासिफाइड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. Complicated delivery using obstructed labor, including obstructed labor. Matlab patient had a problem during delivery. Ya patient RH negative pregnancy hai. So these will put the patient into a high risk pregnancy category. Agar us patient ko abhi diabetes, heart disease, kidney disease, koi active tuberculosis, thalassemia, sickle cell disease, ya patient HIV positive hai. या कोई भी कन्वल्सिव डिसऑर्डर है मतलब एपिलेप्सी है द पेशेंट विल बी क्लासिफाइड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. और जो हमने अभी टेस्ट किए बेस्ड ऑन द करंट प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी इज बिलो 18 इयर्स और अबव 35 इयर्स मैटरनल एज अबव 40 इयर्स अनीमिया हीमोग्लोबिन इज लेस देन 11 प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन दैट मींस द ब्लड प्रेशर हैज बीन रिकॉर्डेड एज 140 above 90 on 2 or more occasions. So presence of sugar or nitrites and leukocytes in urine. मतलब patient को asymptomatic bacteriuria हो रहा है, malaria or any high fever. Height जिसकी कम है less than 140 centimeter. This is important because अगर height कम है तो कई बारी CPD होता है मतलब normal delivery में हमें problem हो सकती है. इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ लेस देन 18 मंथ्स फर्स्ट प्रेगनेंसी और बिफोर अ सफिशियंट टाइम द पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट अगेन. मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन्स है सो इट द पेशेंट विल बिकम हाई रिस्क. प्री प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट विच इज लेस देन 45 kg. व्हेन द पेशेंट गॉट प्रेग्नेंट अगर उसका वेट 45 kg से कम है सो वेट गेन पर मंथ इज लेस देन नॉर्मल again the patient or it is more than normal dono end se would be classified as a high risk pregnancy. Agar patient rh negative hai that is why blood group is important. Hepatitis b positive ya jaundice
तो हम हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग रिमेम्बर फर्स्ट विजिट में करते हैं. मेटर्नल इन्फेक्शन लाइक HIV, कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस. पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है, मतलब थ्रेटन्ड अबॉर्शन है या प्लेसेंटा प्रीविया है कि प्लेसेंटा नीचे लो लाइंग है, अगेन शी विल बिकम हाई रिस्क प्रेगनेंसी. प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और लीकिंग पीवी, मतलब पेशेंट को पहले लीकिंग शुरू हो गई है और पेन्स नहीं शुरू हुए हैं टाइम से पहले, लेस देन 37 वीक्स अगर लीकिंग स्टार्ट हो गई है. फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, डिक्रीज्ड और नो फीटल मूवमेंट्स. इफ द पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज कि मुझे लग रहा है बच्चा कम घूम रहा है, तो प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट. प्रीटर्म लेबर, मतलब लेस देन 37 वीक्स अगर उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो इट इज क्लासिफाइड एज अ प्रीटर्म लेबर. ओवर डिस्टेंडेड एब्डोमेन और अनयूजुअली लार्ज साइज यूट्रस, यू आर सस्पेक्टिंग ट्विंस. Excessive pain in abdomen during first trimester, or if the patient is postdated, that is, she is more than 7 days from expected date of delivery, so we would again classify her as a high risk pregnancy. So I hope after this we can understand ki hame antenatal kya hoti hai, uske parameters kya hai, kab karni chahiye aur basic testing kab karni chahiye. Thank you. So if we have any questions. Thank you so much, ma'am. किसी को कोई question, कोई doubt है तो please अब ma'am से पूछ सकते हैं अभी. किसी भी part से मेरे को. Thank you, Dr. Madhu. Thank you for covering the standard one so well, and thank you for your time. So. I think we can take the questions in end and we move on to standard 2. Kyun Priyanka? Okay ma'am, okay. Aaj ko check issue ho rakha hai. Is my screen visible? Yes ma'am. So, अभी जो डॉक्टर मधु ने बढ़ाया OGTT कैसे करना है, सो एवरीबडी हैज गॉट इट, सो जस्ट लेट्स जस्ट चेक एनीबडी वॉलंटियर हु वांट्स टू टेल कैसे करते हैं OGTT. OGTT कैसे किया जाता है? 75 ग्राम ग्लूकोज लेंगे फर्स्ट टाइम पेशेंट से खाली पेट, यानी करेंगे उसका ब्लड शुगर, उसके एक घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देके उसको रिव्यू करने, 2 घंटे बाद फिर बुलाना उसके लिए, उसके बाद उसको टेस्टिंग करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है फिर. पॉजिटिव का क्या मतलब है? ब्लड शुगर. पॉजिटिव OGTT कब कहते हैं? 140 से ऊपर हो जाओ. तो OGTT करने के लिए क्या खाली पेट होने की जरूरत है पेशेंट को? जी जी. No ma'am. Anybody else? No ma'am, नहीं. कभी भी कह सकते हैं, empty stomach की कोई requirement नहीं है. No ma'am, empty stomach की requirement नहीं है ma'am. वो अगर उसने खाना खाया भी हुआ है तो भी हम उसका oral glucose tolerance test कर सकते हैं ma'am. Right. So you need not have an empty stomach, है ना? जैसे patient आपके पास आता है, initial visit पे आप OGTT करोगे और glucose देने के बाद 2 घंटे के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटे के बाद आप ब्लड टेस्ट करेंगे. इफ इट इज मोर देन 140 देन दैट इज देन यू विल ट्रीट दैट पेशेंट ऑन लाइन ऑफ gestational डायबिटीज, राइट? दैट इज OGTT. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी मूव ऑन टू स्टैंडर्ड 2 नाउ.
ओके सो द स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरियाज व्हाट ऑल वी हैव टू एंश्योर इन लेबर डिलीवरी एरियाज और लेबर रूम एंड इन आर हॉस्पिटल व्हाट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज एमरजेंसी ट्रेज शुड बी रेडी ओके दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन स्टैंडर्ड टू So first of all, we have to ensure that we have a sterile or high level disinfection delivery tray in the labor room, right? So HLD stands for high level disinfection tray, disinfected tray, which should be available in the delivery room or the labor room. We have to ensure availability of uterotonics. So uterotonics kya hota hai? Jo drugs uterus ko contract karati hai. सो वो बेसिकली हेमरेज जब होता है पेशेंट को पीपीएच स्पेसिफिकली जब होता है तो उस टाइम पे काम आती है यूट्रस की टोन को बढ़ाने के लिए सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूट्रोटोनिक ड्रग्स विच कैन बी गिवन या तो इंट्रामस्कुलर यूज होता है आईवी होता है या फिर जैसे मीजोप्रिस्टॉल टैबलेट है उसको जीभ के नीचे डाल के सबलिंगुअल रूट से भी देते हैं वेजाइनल रूट से भी देते हैं इवन रेक्टल रूट से भी देते हैं Then PPH box, eclampsia kit. So we will come to them one by one. एक एक करके सबको discuss करेंगे कि कौन कौन सी trays, क्या क्या सामान आपके पास labor room में emergency area में होना चाहिए. You have to ensure functional items for newborn care and resuscitation. तो जब delivery होती है तो newborn care में क्या क्या essential चीजें हैं जो हमारे पास एक standard maintained होना ही है कि ये सब चीजें हमारे पास available हो. So we should have a designated newborn corner. एक ऐसा एरिया जहां पे वार्मर है जिसको की डिलीवरी से 30 मिनट्स पहले हमने ऑन किया फॉर सेटिंग द टेम्परेचर प्लस जैसे ही न्यूबॉर्न डिलीवर हो रहे तो उसके रिससिटेशन के लिए जो जो सामान है वो सब हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए देन एंट्री प्रोटोकॉल फॉर लेबर रूम लेबर रूम एम्बियंस किस जगह पे आपकी डिलीवरी आप करा रहे हो वो वेल लाइट होना चाहिए वेल वेंटिलेटेड प्राइवेसी देन क्लेनलीनेस लेवल देन हैंड वॉशिंग एरिया देन व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स आप जो फॉलो कर रहे हैं इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देन पीपीई का अवेलेबिलिटी देन लेबर रूम एरिया एंड न्यूबॉर्न केयर एरिया सेटअप्स देन ट्रेज या किट्स कौन कौन सी होनी चाहिए कौन कौन से एसेंशियल रजिस्टर्स आपके पास लेबर रूम में होने चाहिए दिस ऑल इज स्टैंडर्ड टू सो वी विल बी कवरिंग देम सो फर्स्ट ऑफ ऑल Coming to what are the various trays or kits जो कि labor room के अंदर होनी ही होनी है तो ये जो trays हैं different इनको हमने 7 trays में divide किया है sorry so there are 7 trays which should be available with instruments and material ready in them इन प्रिपेयर्डनेस कि अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई डिलीवरी होती है या न्यूबॉर्न बेबी एस्फिक्सिएटेड डिलीवर होता है उसको रिससिटेट करना है मदर को पीपीएच होता है पीपीएच किट हमारे पास रेडी होनी चाहिए देन कभी भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो इमरजेंसी किट या इमरजेंसी ट्रे में क्या होना चाहिए देन देर आर एसेंशियल किट्स विच इंक्लूड एग्जामिनेशन ट्रे पीपीएच मैनेजमेंट किट सिवियर प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया मैनेजमेंट किट सो सबसे पहले है डिलीवरी ट्रे तो आप सब लोग डिलीवरीज करा रहे हैं और सबके पास सारा सामान भी लेबर रूम में होता है बट जो ये कोर्स है मान्यता सर्टिफिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बोलता है कि आपके पास डिलीवरी रूम में एक ऐसा डिलीवरी ट्रे हमेशा ए बैकअप एटलीस्ट टू आइडियली यू शुड हैव जिसमें कि ये सारा सामान जो आपको डिलीवरी के लिए चाहिए शुड बी अवेलेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब डिलीवर हो रही है पेशेंट तो इधर उधर सिस्टर भाग रही है एंड यू आर आस्किंग हर कि अभी मुझे ये दो ग्लव्स दो और कोई चीज उसमें अवेलेबल नहीं है तो ये सभी चेक्स हैं दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर इन द ऑटोक्लेव्ड सेट सो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर वन सीजर टू आर्टरी फोर्सेप्स का जरूरत किस लिए पड़ता है डिलीवरी के टाइम पे मैम होल्ड करने के लिए हमारे ओके सो यू कैन यूज इट इन प्लेस ऑफ स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स और अगर आपके पास क्लैंप करने के लिए नहीं है कुछ और या कोई आपने एपिजियोटमी दिया कोई ब्लीडर है तब आर्टरी फॉर्सेप्स का जरूरत पड़ सकता है देन स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स एक होना चाहिए देन सिम स्पेक्युलम यू शुड हैव अ किडनी ट्रे एंड अ बॉल देन
कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या क्या उस ट्रे में होना चाहिए, स्टराइल ग्लव्स होने चाहिए, कॉर्ड क्लैम्प, देन कैथेटर, यू कैन हैव अ नेल्स कैथेटर, देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, देन ऑक्सीटोसिन एक प्री लोडेड सिरिंज में होना चाहिए जो कि फ्रिज में रखा हुआ है, बट जैसे पेशेंट डिलीवर करने लगी इट इज देयर स्टैंड बाय. देन स्टराइल कॉटन स्वैब एंड पेरिनियल पैड्स. ओके, तो ये सारा डिलीवरी ट्रे है जिसका हमने सो दिस ट्रे यू कैन सी दिस इज हाउ जो एपिजियोटमी सीजर होती है थोड़ी ऐसे कर्व्ड होती है. I am sure all of you have seen this. So this is a delivery tray from our labor room. ये कैलीज पैड है, स्टराइल ग्लव्स, देन कॉर्ड क्लैम्प. ओके, दिस इज हाउ कॉर्ड क्लैम्प लुक्स लाइक. दिस इज सिरिंज, ऑक्सीटोसिन, देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एक होना चाहिए, देर इज अ कैथेटर, देन यू कैन हैव अ सिंपल कैथेटर ऑल्सो. दिस इज फोलीज कैथेटर हियर, बट आप एक सिंपल रबर ट्यूब कैथेटर भी रख सकते हैं बिकॉज यूजली क्या होता है आपको ब्लैडर खाली करके उसको डिस्कार्ड करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर आपको लग रहा है ब्लैडर फुल है तो यू मे नॉट यूज फोलीज कैथेटर, आप एक सिंपल कैथेटर रख सकते हैं. देन कैटगट सूचर, एंड नाउअडेज वी मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग रैपिड वाइक्रल सूचर, है ना, तो आप रैपिड वाइक्रल या कैटगट रख सकते हैं. देन स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स, प्लेन फॉर्सेप्स, नीडल होल्डर, आर्टरी फॉर्सेप्स, एलीज फॉर्सेप्स, ये स्टराइल गॉज है, दिस इज बॉवल, दिस इज सिम स्पेक्युलम. And this is a typical episiotomy scissor, which is little curved. So Dr. Mahima from my team and my nurse Divya, they have, helped us creating this, these pictures for you, ताकि आप लोगों के लिए easy हो जाए समझना. So thanks to them. Then coming to episiotomy tray per se. So episiotomy tray should have one episiotomy scissor, artery forceps, Elie's forceps, needle holder. टूथ फॉर्सेप्स, स्किन को पकड़ने के लिए टूथ फॉर्सेप्स हम यूज करते हैं, और जो म्यूकोजा होती है उसको पकड़ने के लिए प्लेन थंब फॉर्सेप्स यूज करते हैं. तो एक नीडल होना चाहिए, उसमें किडनी ट्रे, थंब फॉर्सेप्स, देन बिकॉज आपको वो लोकल एनेस्थीजिया में करना है तो ज़ाइलोकेन 2%, देन 10 ml सिरिंज विद अ नीडल, देन क्रोमिक कैटगट. एंड एज आई सेड मोस्ट ऑफ अस हम लोग आजकल क्या यूज कर रहे हैं, रैपिड वाइक्रल यूज कर रहे हैं बिकॉज बहुत ईजी होता है, पेशेंट को चुभता नहीं है, एंड इट इज absorbable suture, very good suture, so most of us are using that, तो आप वो भी रख सकते हैं. Then antiseptic solution, sterile glove and gauze piece. Okay, so this is how a typical episiotomy tray should look like. As I said, this is episiotomy scissor, right? And lignocaine injection. तो lignocaine injection होगा आपके episiotomy tray में हमेशा, because कई बार crowning होती है, आपके पास time नहीं है, so it should be there, and as soon as you are anticipating a delivery, aapke paas needle or syringes mein available hai, and you immediately make a 2% solution for giving local anesthesia. Then medicine tray. To medicine tray mein ideally kya kya cheeze honi chahiye. One is injection oxytocin, which is always to be kept in fridge. Then there are certain tablets, but ye handy hona chahiye, zaruri nahi hai ki aapke, बट इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपकी सारी चीजें एक साथ एक ही ट्रे में है और आप एक आइडियल मेडिसिन ट्रे बना के रखो तो वो बहुत अच्छा रहता है. यू विल फाइंड इट दैट तो आप लोगों का जब असेसमेंट होगा ऑल दिस, यू नो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट लेबर रूम में आपके पास डिलीवरी ट्रे, एपिजियोटमी ट्रे है, देन देर इज अ मेडिसिन ट्रे ऑल्सो. सो उसमें जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, देन पैरासिटामोल विच इज यूज फॉर फीवर, आइबुप्रोफेन विच इज anti-inflammatory, B complex, then IV fluids, है ना, जैसे patient hypotension में जाता है तो सबसे पहले हमें crystalloid जैसे patient को देना है, तो ringer और normal saline, then oxytocin, mesoprostol. Mesoprostol किस लिए use किया जाता है? Mesoprostol, mesoprostol का क्या use है? Anybody? क्या करने के लिए? यूट्रस को डायलेट करने के लिए, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, यू मीन टू से, है ना. तो उसमें हम बहुत लो डोज यूज करते हैं, तो ज्यादातर लोग 25 माइक्रोग्राम यूज करते हैं. सो दिस मच डोज यू समटाइम्स नीड फॉर पीपीएच, है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज में आपको जरूरत पड़ सकती है हायर डोज की, 400-600 माइक्रोग्राम. देन इंजेक्शन वाइटामिन के, then steroid, betamethasone, ringer lactate is a crystalloid, this is a crystalloid, then hydralazine is a drug जो कि high blood pressure में emergency drug का काम करती है, then nifedipine is also for, ये भी blood pressure के लिए है, then labetalol and methyl dopa,
सो लेबिटोलॉल पहले मिथाइल डोपा ओरल ड्रग ऑफ चॉइस थी ब्लड प्रेशर के लिए, अभी एंटीनेटल टाइम पे लेबिटोलॉल है. देन यू शुड हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो एंड नेविरापिन एंड अदर एच आई वी ड्रग्स ओनली फॉर आईसीटीसी एंड एआरटी सेंटर्स जो फॉर एच आई वी पेशेंट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स एंड एआरटी सेंटर्स में इवन दीज ड्रग्स शुड बी देयर इन द मेडिसिन ट्रे. Now, so some of drugs I have shown you here, mesoprostol, then gentamicin, vitamin K, this is steroid, betamethasone, then magnifying glass, then crystalloids. Okay, so all these things should be there in your medicine tray. Iske baad aa gaya hamara emergency drug tray. तो उसमें सबसे important जो है वो है कि आपके पास IV line set करने के लिए एक नीडल 16 गेज इज वाइड बोर जो कैनुला होता है, नीडल की जगह में यहाँ कैनुला लिखना चाहिए. सो 16 गेज कैनुला एटलीस्ट दो होने चाहिए सो दैट जैसे ही पेशेंट आपके पास आया इमरजेंसी में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आईवी लाइन पेटेंट को मेंटेन करना और एंश्योर करना कि आप सारी ड्रग्स उस लाइन से दे सकते हो बहुत जरूरी होता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीटोसिन मैक्सल विच इज यूज फॉर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, देन कैल्शियम ग्लूकोनेट. कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्या यूज होता है, एनीबडी? कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्या यूज होता है? मैम कैल्शियम ग्लूकोनेट जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद देते हैं. हाँ, सो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम इमरजेंसी ट्रे में क्यों बोलते हैं, देखो जब भी कभी कोई क्रश इंजरी होती है ना या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सो हमेशा देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेशियम विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड. ओके, तो उससे हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जब इमरजेंसी ट्रे में बात करते हैं सो इट इज बिकॉज इट इज द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकैलेमिया, जो पोटेशियम लेवल सडनली इंजरी के बाद ट्रॉमा के बाद हाई हो जाता है उसके लिए होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद यस, जब आप टू और मोर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रीजन अलग होता है, उसमें होता है कि जो सिट्रेट है ब्लड के अंदर वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, तो कैल्शियम लेवल्स क्योंकि कम हो जाते हैं इसलिए आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो. बट अदरवाइज इन एमरजेंसी ट्रे वी वॉन्ट दिस बिकॉज वेन एवर देर इज अ क्रश इंजरी, देर इज ट्रॉमा, देर इज लॉट ऑफ पोटेशियम रिलीज होता है ब्लड के अंदर, तो उसको काउंटरेक्ट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट. ओके, दैट्स वाई इट इज written in emergency tray. Then steroid, dexamethasone, then antibiotics like ampicillin, gentamicin, ceftriaxone, then 2% lignocaine, agar aapko local anesthesia dena pad raha, then adrenaline, again, we know it is an emergency drug, steroid, hydrocortisone, patient shock mein aata hai toh steroid aap usko dete ho, then anti-allergic phenyramine maleate. Phenyramine is basically AVIL injection jo hota hai, phenyramine maleate uska केमिकल नेम है. देन कार्बाप्रोस्ट इंजेक्शन, देन डायजापाम, फोर्टविन, फिनागन, रिंगरलेक्टेट, हाइड्रोलिजिन विच इज यूज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज करते हैं आईवी हाइड्रोलिजिन, देन निफिडिपिन वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए. देन एज आई सेड आजकल हम लेबिटोलॉल ज्यादा यूज करते हैं मिथाइल डोपा से फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी. देन स्टीरॉयड, बीटामिथाजोन, देन कंट्रोल्ड सक्शन, कैथेटर, माउथ गैग. माउथ गैग किस लिए कि अगर पेशेंट का टंग फॉल प्रिवेंट करने के लिए और एयर वे को इंटैक्ट रखने के लिए माउथ गैग सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है. समटाइम्स व्हेन पेशेंट इज यू नो कमिंग टू यू मे बी अनकॉन्शियस. ओके, देन आई वी कैनुला, देन वायल्स फॉर ब्लड कलेक्शन. एंड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मिस हो रही है वो है फोलीज कैथेटर, बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में आता है कई बार आपको उसको तुरंत कैथेटराइज करना पड़ता है. सो इवन इमरजेंसी ड्रग ट्रे शुड हैव अ फोलीज कैथेटर. ओके, तो ये सारी चीजें इस पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. फोर्टविन, फिनर्गन, फेनिरामिन, एज आई सेड ये एंटी एलर्जिक होता है एविल, मैक्सल एक्लेम्सिया में आप यूज करते हो, देन एड्रेनालिन, स्टीरॉयड, हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑल्सो स्टीरॉयड, देन दीज आर एंटीबायोटिक्स, माउथ गैग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then a catheter, as I said, then large bore cannula आपको लगाने के लिए होना चाहिए, इसमें at least दो होने चाहिए. Okay, and IV line, ringer lactate, IV fluids, crystalloids. So ये सारा आपको list check करना है. So these all standards will be posted by Priyanka in the group. So
टुडे ओनली आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें आपके लेबर रूम में, आपके इमरजेंसी एरियाज में, नर्सिंग, आपके नर्सिंग होम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह से अरेंज रहना चाहिए. सो लाइक यू कैन गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन सीनियर सिस्टर इन चार्ज हु विल एंश्योर कि एक पर्टिकुलर एरिया की ट्रेस किसी एक बंदे की जिम्मेदारी है, देन दूसरे एरिया का यू कैन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को आप दे सकते हो. ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ हैविंग दिस टॉक. देन बेबी ट्रे. सो जब बच्चे की डिलीवरी हुआ तो हमारे पास उस ट्रे में क्या क्या होना चाहिए, देर शुड बी टू प्री वॉर्म टॉवल्स और शीट फॉर रैपिंग द बेबी, देन स्टराइल कॉटन स्वैप्स, म्यूकस एक्सट्रैक्टर. ओके, आप म्यूकस जो बच्चे के मुंह में सिक्रीशंस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, देन बैग एंड मास्क. सबसे पहले जब बच्चा डिलीवर होता है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दिया जाता है अगर उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो. जैसे बैग एंड मास्क अगर म्यूकोनियम स्टेन लाइकर है तो उसमें नहीं करना चाहिए. देन देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड डायफ्रेगमेटिक हर्निया, उसमें नहीं करना चाहिए. सो आपके पीडियाट्रिशियन हमेशा अवेलेबल होंगे वहां पे टू चेक कि किस कंडीशन में नहीं करना है. बट फिर भी सबसे पहले जो वेंटिलेशन किया जाता है बच्चे का वो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होता है. सो दैट शुड बी अवेलेबल. देन स्टरलाइज थ्रेड और कॉर्ड क्लैम्प. तो अभी आजकल कोई थ्रेड यूज नहीं करता है, हम लोग कॉर्ड क्लैम्प ही यूज करते हैं. आई एम श्योर आप लोग भी वही यूज कर रहे हैं. देन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ग्लव्स, एंड आफ्टर द डिलीवरी बेबी इज गिवन विटामिन के इंजेक्शन, तो नीडल सिरिंज उसके अंदर होना चाहिए. सो बेबी शुड बी रिसीव्ड इन प्री वॉर्म टॉवल and do not use the metallic tray for receiving the baby. That's very important. So this is how mask look likes. है ना, तो बहुत छोटा जो बच्चे के मुंह पे फिट हो, नियोनेट के लिए सबसे स्मॉल साइज जो आता है आइडियल साइज होना चाहिए. सो इस ट्रे के अंदर एडल्ट साइज आपको रखने का कोई पॉइंट नहीं है. देन बैग जिससे आप वेंटिलेट करते हो, म्यूकस सकर, देन गॉज, सिरिंज, विटामिन के, सक्शन, स्टराइल टॉवल एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच शुड ऑलवेज बी देयर इन द baby tray. Then comes the manual vacuum aspiration or electronic vacuum aspiration and PPIUCD tray. So manual vacuum aspiration कितने लोग use करते हैं, आप लोग use करते हैं manual vacuum aspiration MTP करने के लिए जो use करते हैं, how many of you are using that? मैम हम नहीं करते हैं. No, नहीं करते हो तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एक्चुअली बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है और सिंपल है. आई विल से सिंपल प्रोसीजर है टिल 50 डेज ऑफ प्रेगनेंसी फॉर एबॉर्शन. यू नो लाइक सक्शन क्रिएट करके इन प्लेस ऑफ द डायलिटेशन फॉलोड बाय सक्शन जो आप करते हो, तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक, टाइम टेस्टेड अच्छी टेक्निक है. बट सब लोग नहीं यूज करते हैं, बहुत वेलवर्स नहीं है, बट दिस इज अ गुड टेक्निक. सो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ग्लव्स एंड स्पेक्यूलम, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. सो देन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जनरली हम सिम स्पेक्यूलम यूज करते हैं पोस्टीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए. देन स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स, एमवीए सिरिंज एंड कैनुलास. तो एमवीए सिरिंज एंड कैनुलास का आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई हैव अ पिक्चर, आई विल जस्ट सी. देन एमटीपी कैनुलास, then small bowl of antiseptic solution, sanitary pad, then disposable syringe, misoprostol tablet, sterile gauze, then catheter, and PPIUCD means postpartum IUCD tray. जैसे patient deliver हुआ, so this is something which all of you should know कि अभी हम लोग एक जो contraception का एक method है कि patient की delivery के immediately बाद placenta out होने के बाद आप उसको इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डाल सकते हो जिसको हम कहते हैं PPIUCD. उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सिम स्पेक्युलम चाहिए, आर्टरी फॉर्सेप्स, स्पॉन्ज होल्डर. तो यूट्रस काफी बड़ा होता है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी. सो आपको वो आईयूसीडी ऊपर तक लेके जाने के लिए फंडस तक आपको स्पॉन्ज होल्डर की जरूरत पड़ती है. देन PPIUCD इंसर्शन फॉर्सेप्स. और कौन कौन से आप IUCD डाल सकते हैं, कॉपर IUCD 380A 375 इन स्टराइल पैकेज. सो दीज ऑल अगेन बिकॉज PPIUCD अगर आपको डालना है तो लेबर रूम में डालना है, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. सो दिस इज PPIUCD ट्रे जिसमें की IUCD है, MTP कैनुला है, सिम स्पेक्युलम, कस्को स्पेक्युलम, देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ग्लव्स, बॉबल, मीजोप्रिस्टॉल, कैथेटर एंड आर्टरी फॉर्सेप्स, वॉल्सेलम. यूजली आप नहीं यूज करते हो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी,
but you can keep this in your tray, but ideally you should have a sponge holder forceps. Sorry. Then coming to the examination tray. So just give me a एग्जामिनेशन ट्रे जो है जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो उसके अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए. सो यू शुड द सर्जिकल ट्रे यू शुड हैव अ बाउल विद कॉटन स्वैब स्टराइल ग्लव देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन देन मेजरिंग टेप. सो मेजरिंग टेप जब हम पेशेंट को एंटीनेटल पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें क्यों चाहिए, क्या करना है हमें मेजरिंग टेप से, व्हाट इज द आइडिया ऑफ हैविंग अ मेजरिंग टेप इन एग्जामिनेशन ट्रे. एनीबॉडी? मैम एब्डोमिनल हाइट को नापने के लिए, फंडल हाइट को नापने के लिए, फंडल हाइट एंड एब्डोमिनल गर्थ नापने के लिए, ताकि आप उसको लास्ट रीडिंग से कंपेयर कर सको एंड यू कैन सी कि उसका ग्रोथ बेबी का इन सेंटीमीटर्स एंड एब्डोमिनल गर्थ इन इंचेस वो ठीक से हो रही है, राइट. देन स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप फीटल हार्ट सुनने के लिए. Then heuristics bottle, urine albumin sugar check करने के लिए आपके पास होना चाहिए BP apparatus, thermometer, knee hammer. Then MCP card is mother and child protection card. तो आपका एक normal formatted card जिसमें कि mother का पूरा detail, it's like an antenatal card जो कि आप fill करते हो हर visit पे, वो होना चाहिए. Then blood and urine collection vials, alcohol swab and RDKs. So, what is RDK? Priyanka, you told me something about. Priyanka is logged in. Yeah, just let me check because I should give it to you right now. So, RDK stands for Rapid Diagnostic Kits. So, Rapid Diagnostic Kits, like you need it for HIV, HCV, so इस तरह की जो diagnostic kits available हैं, they should be there in the examination tray itself. Okay, then coming to, this is how an examination tray looks like. So this is the antenatal card which we have at LAPAM. तो आप लोग जो भी आपके cards हैं, उसका format आपको check करना है कि सारे columns उसमें हैं कि नहीं. So this will be given to you. What is the ideal card? How the ideal card should look like, what all columns are there. Okay, so you will have to cross check ki usme kya kya kamiyan hai. You have to modify your mother and child care card accordingly as per the protocols. Okay, so this is how this looks like. Then coming to PPH kit. So PPH stands for postpartum hemorrhage. So you should have autoclaved set should have sponge holding forceps. कितने स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स होने चाहिए आपके पीपीएच किट में? दो मैम. आइडियली तीन है ना, आइडियली तीन होने चाहिए बिकॉज जब आप सर्विक्स को एक्सप्लोर करते हो ना, सर्विक्स आफ्टर डिलीवरी इट बिकम्स लाइक अ फ्रिल है ना, फ्रिल के जैसे हो जाती है. तो उसकी जो आपने पहले एक स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स लगाया, फिर दूसरा लगाया, उसके बीच में देखा सब ठीक है, राइट. देन You can put the third one if you don't have, because एक आपका starting point है, वो उसको आप हिलाओगे नहीं, नहीं तो because वो frill के जैसे cervix हो जाती है, तो आपको पता नहीं चलता आप कितना explore कर चुके हैं. तो एक starting point पे लगा के दूसरा देखा, फिर तीसरा लगाया, उन दोनों के बीच में देखा, फिर second वाला जो है उसको हटा के फिर आगे लेके गए. So ideally three होने चाहिए, but minimum two. Then Kelly's forceps should be there, then needle holder. Then both round body and cutting needle should be there. Then sim, speculum, kidney, tray and bowel. Then you should ideally have what all consumables in the PPH kit. You should have long elbow length sterile gloves. Because जब आप uterine massage करते हो तो आपने देखा होगा कि आपका पूरा हाथ stain हो जाता है. जब PPH होता है patient को तो फटाफट bimanual massage करना होता है after emptying the bladder. If you feel it is atonic uterus which is leading to PPH. Right? So ideally you should have long elbow length sterile gloves.
देन वाइड बोर कैनुला वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही लगा कि पेशेंट को पीपीएच हो रहा है सबसे पहले हमें आईवी लाइन हमारे असिस्टेंट को बोलना है वाइल यू आर मसाजिंग द यूट्रस और लुकिंग फॉर कि क्या कहां से हेमरेज हो रही है वेदर एटोनिक है या ट्रोमेटिक है. मीनवाइल अगर आपका एक कैनुला लगा भी है ऑलरेडी देन ऑल्सो यू हैव टू एंश्योर कि आप वाइड बोर कैनुला सबसे पहले लगाओगे बिकॉज जब पीपीएच के बाद ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट ओवर मिनट्स कोलैप्स करते हैं तो आपकी जो एक्सेस है टू द आईवी लाइंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू शुड हैव 20 ml 10 ml 5 ml सिरिंज ब्लड एंड यूरिन कलेक्शन वायल्स एंड मीजोप्रिस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन मिथर्जिन इंजेक्शन सूचर मटीरियल फोलीज कैथेटर स्टेराइल ग्लव स्टेराइल कॉटन स्वैब गॉज पीस एल्कोहल एंड एडहेसिव टेप. ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज वी ऑल्सो हैव अ बाकरी बलून इन आर लेबर रूम पीपीएच किट विच इज यूज फॉर एटोनिक यूट्रस. तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कॉन्डोम्स रख सकते हैं और फोलीज कैथेटर के ऊपर जब हम लोग पीपीएच डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हम उस टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे. सो इफ बाकरी बलून इज नॉट देयर देन कॉन्डोम कैन बी टाइड ओवर द फोलीज कैथेटर और उसको अंदर यूट्रस के डाल के इन्फ्लेट किया जा सकता है. सो आइडियली दैट शुड ऑल्सो बी देयर इन द ट्रे. Then coming to severe pre-eclampsia and eclampsia kit. So this is like, eclampsia is like a nightmare. So you should be ready. Aapke jo tray hai usme there should be a mouth gag, suction catheter because there will be secretions in the mouth. To aapko wo suck out karne hai. IV cannula, again, wide bore aapke paas cannulas honi chahiye. Then syringes, anti-hypertensive drug, labetalol, nifedipine, Naxalf, xylocaine. Then blood and urine collection vials, self-retaining catheter. Police capture जो होता है syringe and distilled water then for inflation then dry cotton swabs sterile gloves knee hammer because आप knee jerk check करते हो Maxalt start करने से पहले then calcium gluconate antiseptic solution bottle then blood and urine collection vials self retaining catheter alcohol swab then adhesive tape and antiseptic solution and urobag. So ये सारी चीजें आपकी pre eclampsia eclampsia kit में होना चाहिए. So this is how it looks like. ये जो adhesive tape है ये आपके काम आती है जो tubings है उसको fix करने के. जैसे आपने police डाला तो आप उसको strap कर दोगे thigh पे. So for that you will need because अगर आप नहीं करोगे तो patient जब conversion उसको आता है तो catheter out हो जाता है तो आपको police catheter को side पे करके उसके thigh के ऊपर patient के strap करने. That's why you need this adhesive tape. Okay, so this is how a pre-eclampsia tray looks like. ये सब आपको आपके WhatsApp group में all details of all these trays will be posted. Okay, so I think right now the exercise for you is कि आपको जो ये सारी trays का detail हम groups में भेजेंगे आप उसको detail में देखो एंड अपने लेबर रूम्स में नर्सिंग होम्स में असाइन द ड्यूटी टू सम पर्संस हु लुक आफ्टर एंड मेक श्योर दैट दीज ट्रेज आर देयर ऑल द टाइम. एंड इम्पॉर्टेंट इज जब एक बार इमरजेंसी ट्रे से कोई सामान निकलता है सपोज आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज कर लिया है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करना है. वी हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इमरजेंसी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही कोई सामान उसमें से यूज हुआ तो न्यू ट्रे शुड बी रेडी फॉर हैंडलिंग द नेक्स्ट इमरजेंसी. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो नाउ आई हैंड ओवर टू प्रियंका फ्रॉम जपाइगो टीम. शी विल बी टेकिंग स्टैंडर्ड 3. थैंक यू सर. यू विल बी टेकिंग राइट. यस मैम. यस मैम. ओके ओवर टू यू देन. थैंक यू मैम. Ma'am, will you please stop your screen sharing, ma'am? Yeah, thank you. हाँ
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थ्री का. सो जो स्टैंडर्ड थ्री हमारा कि जब भी प्रेग्नेंट हॉस्पिटल में आती है टाइम ऑफ एडमिशन, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सो ये स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आप लोग देख रहे होंगे कि हर जब भी हम स्टैंडर्ड कोई बता रहे हैं, सबसे पहले हम आपको स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया दिखा रहे हैं. इसलिए वह स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि जब भी आपको असेसमेंट होगा, फाइनल असेसमेंट, सो इसी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया के आधार पे आपका असेसमेंट होगा. इट मीन्स कि जो भी ये वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड है और जो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, इन सबको आपको अचीव करना होगा. अगर आप इनमें से कोई भी एक सब स्टैंडर्ड अगर आपको अचीव नहीं होता है, इट मीन्स कि आपका वो स्टैंडर्ड जो होगा वो जीरो हो जाता है. इसलिए ये स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो स्टैंडर्ड थर्ड में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री किस तरीके से लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हमें पूछनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. जेस्टेशनल एज आप कैसे करेक्टली काउंट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे जेस्टेशनल एज, उसके बारे में क्या क्या मेथड है जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करने का, इसके बारे में हम देखेंगे. फिटल हार्ट साउंड आप कैसे सुन सकते हैं, कहाँ पे आपको इजिली मिल सकता है, किन किन चीजों से आप सुन सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. बीपी एंड टेम्परेचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बीपी और टेम्परेचर का ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्यों वाइटल्स लेना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे. एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे. आप ये देख रहे होंगे सेफ चाइल्डहुड चेकलिस्ट, लास्ट जीरो सेशन के बाद मैंने ये सेफ चाइल्डहुड चेकलिस्ट मैंने शेयर किया था ग्रुप में, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में ही भेजा था मैंने. तो उसमें चार पॉज पॉइंट है. एक जो फर्स्ट पॉज पॉइंट है क्या है, वो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, जब महिला, जब प्रेग्नेंट महिला लेबर पेन में जब आपके पास आती है, जब आपके हॉस्पिटल में आती है, तो आपको ये फर्स्ट पॉज पॉइंट यानी कि ये सेफ चाइल्डबर्थ चेकलिस्ट आपको यूज करना है. चेकलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो. चेकलिस्ट यूज करने का दो मेथड होता है. या तो एक लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो कि पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद चेकलिस्ट चेक करते हैं कि वेदर कोई चीज हमारा छूट तो नहीं गया. कुछ तो ऐसे लोग मोस्टली जैसे हम जैसे लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. चेकलिस्ट देखा, अच्छा ये करना है, ओके किया, टिक किया, फिर देखा है हमने कर लिया काम, देन हमने उसको टिक किया, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई ऐसे पॉइंट हमसे छूट ना जाए. इसके लिए ये चेक हमें सेफ चाइल्डबर्थ चेकलिस्ट हम यूज करते हैं. सो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इस महिला को हमें एडमिट करना है या नहीं करना है, क्या इसको जो सर्विस चाहिए, क्या वो सर्विस हमारे फैसिलिटी में प्रोवाइड है. इनकेस की मान लीजिए आपने एडमिशन कर लिया और आपके पास ओटी नहीं है और महिला ब्लीडिंग कर रही थी, तो क्या होगा कि महिला का टाइम, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम भी हो रहा है, तो क्या करें, प्रोवाइड करिए और महिला को रेफर कर दीजिए. सो देखिए चीज आपको ये पूछा जा रहा है, डज मदर नीड रेफरल, क्या महिला को रेफरल की जरूरत है, अगर यस तो क्यों हम रेफर कर सकते हैं, जो सुविधाएं हमारे पास नहीं अगर होंगी, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है महिला को, या हाई फीवर है, कन्वल्शन है, हेडेक है, ब्लड विजन है, या में उसको दिक्कत है, हमें मालूम है कि महिला को पहले से ही उसको हार्ट प्रॉब्लम है. सो अगर इन केस कि आपके हॉस्पिटल में मैम नहीं है, मैम को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैम से बात डिसाइड करना है कि वेदर यू आर गोइंग टू एडमिट दिस पेशेंट और नॉट. उसके बाद पार्टोग्राफ स्टार्टेड और नॉट, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है से नॉलेज भी प्रोवाइड होगा कि आपको पार्टोग्राफ कब यूज करना है. इस चेकलिस्ट से ही आपको पता चल रहा है, क्या लिखा हुआ है ना, स्टार्ट व्हेन सर्विक्स इज मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेटेड. तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अब हमें पार्टोग्राफ का यूज कब करना है और पार्टोग्राफ में किन किन चीजों को कितने कितने देर में फिल करना है, वो भी आपके इस चेकलिस्ट में प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट है आपका डज मदर नीड एंटीबायोटिक्स.
अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है तो किन किन कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, वो सारे कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल एज ए नर्सिंग स्टाफ, जो चीजें कभी मिस हो जाती है हमें बताने में मैम को, या वो चीजें हमारे इस चेकलिस्ट के हेल्प से मिस नहीं होगी। सो ये इम्पोर्टेंट से हमारा सेफ बर्थ चाइल्ड चेकलिस्ट का। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ट्रायजिंग, कि हम ट्रायजिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपना काम इजी करने के लिए और प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। लेकिन हम नॉर्मल डेज में भी हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑफिस के लिए निकलते हैं या आप हॉस्पिटल के लिए निकलते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी फिक्स करते हो कि आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, फिर ये। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको आप पहले करते हैं। सेम वैसे ही हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो हमें ट्रायजिंग करना होता है कि कौन सा पेशेंट को ज्यादा इल है, इमीडिएट केयर की जरूरत है, कौन सा पेशेंट है जिसको कि आपको रेफर करना है, और कौन सा पेशेंट ऐसा है कि जिसको जनरल केयर हम दे सकते हैं। तो अगर इस टाइप के पेशेंट आपके पास है, ANC में कोई पेशेंट आपके पास ब्लीडिंग का है, कोई नॉर्मल ANC चेकअप के लिए आया हुआ है, या कोई पेशेंट नॉर्मल लेबर पेन में आया हुआ है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले कौन से क्लाइंट को चेक करोगे, यानी कि जो ब्लीडिंग में आई है महिला उसको हम पहले देखेंगे, फिर जो नॉर्मल लेबर पेन में है, और जो ANC चेकअप के लिए आई है, ANC चेकअप जो नॉर्मल ANC चेकअप के लिए आई है, अगर हम उसे 5-10 मिनट वेट भी करने के लिए बोलते हैं या वेट भी कर सकती है, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग वाले पेशेंट को अगर हम वेट कराते हैं तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये हमें ट्रायजिंग बना, जब भी आप एडमिशन करते हैं, एडमिशन के दौरान आप ट्रायजिंग जरूर फिक्स करिए। क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा जब मदर अगर लेबर पेन में आती है, तो हिस्ट्री टेकिंग का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, लेकिन मैं ये आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अगर कोई महिला आपके हॉस्पिटल में लेबर पेन में आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अब मैं हॉस्पिटल वाइज पूछूंगी, सो वो हॉस्पिटल प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। चिकित्सा हॉस्पिटल फ्रॉम दिल्ली, आप बता सकते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई महिला लेबर पेन में आती है तो आप किस तरीके से उससे हिस्ट्री पूछते हैं? एनी स्टाफ फ्रॉम चिकित्सा हॉस्पिटल? ओके, आदर्श हॉस्पिटल, सागर हॉस्पिटल, आई थिंक आदर्श हॉस्पिटल, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, ओके। एक्चुअली अगर ये सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव होगा तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आपको, ऑलरेडी आप लोग करते हैं। जब महिला आती है लेबर पेन में तो हिस्ट्री लेते हैं, अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर खुल के आप बोलते हैं ना, ये पीयर लर्निंग है, यहाँ पे कोई किसी को असिस्ट नहीं कर रहा, हम सब फैसिलिटी वर्कर हैं, हम सब फैसिलिटीज में काम करते हैं, तो कोई सीनियरिटी जूनियरिटी यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को जो करते हैं आप उस चीज को बताइए, और उसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो अप्रोच जो होना चाहिए हमारा, वो सबसे पहले क्या होगा, चीफ कंप्लेन। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो महिला आई है उसका चीफ कंप्लेन क्या है, क्या उसे तकलीफ क्या है, किस कंप्लेन की वजह से वो हॉस्पिटल में आई हुई है। देन हम क्या, अगर मान लीजिए लेबर पेन में है तो हम क्या पूछते हैं कि उसे दर्द कब से आ रहा है, किस तरीके का दर्द हो रहा है उसे, रुक रुक के दर्द आ रहा है या तेज लगातार उसे दर्द बना हुआ है, इस तरीके से चीजें आप उनसे पूछते हो। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिपरेशन। जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। क्या प्रिपरेशन करना होगा, आप हिस्ट्री टेकिंग है तो हिस्ट्री टेकिंग आप किसी खुले एरिया में बैठ के आपको नहीं करना है कि आप वहां पे भीड़ भाड़ है, आप वहीं पे क्लाइंट को बिठा के आपने पूछना स्टार्ट कर दिया, और एक बार नहीं आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ रहे, हाँ क्या बोला, हाँ क्या बोला, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन करना है आपको, और जो जिस एरिया में आप हिस्ट्री लेते हो वो एरिया आपका काम एंड क्वाइट एटमोसफेयर होना चाहिए।
आपको सबसे पहले महिला को कंफर्टेबल एंड रिलैक्स फील कराना है ताकि उसे आपके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो और वो जो भी आप हिस्ट्री उससे पूछे वो बिल्कुल करेक्ट हिस्ट्री आपको दे, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो महिलाएं छुपा ले जाती हैं, चीजें क्लियर नहीं बोलती हैं और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और ओटी में जाके चीजें हमें पता चलती है कि अरे इसको तो ये भी प्रॉब्लम था, ये भी प्रॉब्लम था। अगर वही प्रॉब्लम अगर हमें इनिशियल फेज में पता चल जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो क्लाइंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, एज अ प्रोवाइडर हमारे लिए भी वो हेल्पफुल होता है। और उसके लिए हमें क्या हमें अच्छी रिपोर्ट उससे आपको म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो भी लाइक आपको हिस्ट्री के टाइम पे जो भी लाइक हाइलाइटेड एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लीडिंग है या लाइक अभी टाइम पूरा नहीं है, लाइक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, इस तरीके की कोई भी चीजें अगर मिलती है तो आपको तुरंत मैम को अपने इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं। सो हिस्ट्री सबसे पहले मैं बात करूंगी पास्ट प्रेगनेंसी के बारे में। सो पास्ट प्रेगनेंसी हम सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, लाइक कि उसकी फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर को लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी, थैलेसीमिया या ट्विंस या कॉन्जेनाइटल मलफॉर्मेशन ऐसा तो कुछ नहीं था। मेडिकल हिस्ट्री आप पूछेंगे, मेडिकल हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे कि महिला को लाइक डायबिटीज की शिकायत तो नहीं है, हाइपरटेंशन या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस लेने की दिक्कत तो नहीं है उसे, या उसे हृदय रोग तो नहीं है, या उसे डिलीवरी से सॉरी प्रेगनेंसी से पहले कभी उसको झटके आए हुए हो, या अस्थमा, जॉन्डिस, मलेरिया, थायराइड टाइप, इस टाइप के कोई प्रॉब्लम तो उसको नहीं है। ये एक एक चीज आप उससे बात करके उससे पूछेंगे। देन हम उससे पूछते हैं कले एक एलर्जी हिस्ट्री के बारे में, लाइक कोई मेडिसिन या कोई किसी खाने की वजह से कुछ एलर्जी तो उसे नहीं है, या महिला टबैको अल्कोहल वगैरह तो कंज्यूम नहीं करती है, या कोई लाइक मेडिसिन जो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन लेने के बाद उसने कंसीव किया हो, ये सारी हिस्ट्री हम आप उस महिला से पूछेंगे। उसके बाद हम उससे मेंस्ट्रुअल और ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री पूछना स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम क्यों पूछते हैं, लाइक तक कि हमें पता चले जो महिला हमारे पास आई है लेबर पेन में, क्या उसका टाइम पूरा है, क्या वो टर्म प्रेगनेंसी है या प्री टर्म प्रेगनेंसी है, इसके जानने के लिए आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप उससे LMP पूछेंगे, LMP से आपको EDD उसका निकालना होगा और उससे आप जान पाएंगे लाइक उसका जेस्टेशनल एज क्या है। तो मेंस्ट्रुअल और ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में हम बात करते हैं GPALA। जी मतलब ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब कि महिला कितनी बार कंसीव किया उसने, उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। पैरिटी का मतलब कि महिला कितनी टाइम लाइक उसने डिलीवर किया, लाइक आफ्टर 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद उसकी जितनी डिलीवरी हुई होगी वो हमारी पैरिटी में आएगा। अगर 24 वीक्स से पहले हो गया हो लाइक 20 वीक्स पे, 18 वीक्स पे, वो हमारा अबॉर्शन के उसमें जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, पैरिटी एंड अबॉर्शन, कब आप पैरिटी में उसको काउंट करोगे और कब उसको आप अबॉर्शन में काउंट करोगे। देन हम उससे बात करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल होगा या तो सिजेरियन होगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी लाइक कहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी, घर पे हुई थी या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, इसके बारे में आप उनसे पूछेंगे। फिर आप उससे उसके लास्ट बच्चे का एज क्या है, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी उसकी लास्ट प्रेगनेंसी थी उसका आउटकम क्या था, लाइक जो लास्ट बच्चा पैदा हुआ था कितने केजी का था, उस टाइम पे उसे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी, बच्चे में कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज तो नहीं था, ये सारी चीजें हम उनसे बात करेंगे। या उस टाइम पे कोई मेडिकल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए थे लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान, ये सारी चीजें हम उनसे पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में पूछेंगे। देन आया हमारा
कि हम उनसे और लाइक रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर कोई अनबुक्ड क्लाइंट है आपकी, लाइक वो डायरेक्टली आपके पास डिलीवरी के लिए आई हुई है, सो आप उससे सारा उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप उनसे मांगेंगे, सारा रजिस्ट्रेशन लाइक ANC कार्ड उसका आप पूरा चेक करेंगे, आप चेक करोगे लाइक कौन कौन सा सप्लीमेंटेशन उसने लिया है कि नहीं, लाइक कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, और ये सारी इम्यूनाइजेशन उसकी कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, TT का, TDAP या स्वाइन फ्लू का, कितनी ANC विजिट उसने कंप्लीट किए हैं पूरे अपने ये 9 months के पीरियड में, क्या मेडिकेशन कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन तो वो नहीं ले रही है, या कोई ऐसा प्रोसीजर तो उसका नहीं हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव, या कोई मेडिकल सर्जिकल, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उसके हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अभी लास्ट आपको पढ़ाया गया है, क्या वो सारे इन्वेस्टिगेशन उसके जो हर ट्राइमेस्टर में होने चाहिए क्या वो हुए हैं कि नहीं हुए, उसका कैसा रिपोर्ट, क्या रिजल्ट है, ये सारी चीजें हम उसका चेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जेस्ट्रेशनल एज आइडेंटिफाई करना है, तो प्लीज कोई भी फैसिलिटी अनम्यूट करके बताएंगे आप कि किस तरीके से आप ADD कैलकुलेट करते हो, अगर आपको LMP पता होता है तो आप ADD 9 months 7 days का काउंटिंग होता है। वेरी गुड, कौन सा हॉस्पिटल था? स्वास्तिक मैटरनिटी सेंटर। वेरी गुड, और दूसरी जो चीज हम किससे कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रिपोर्ट होता है उस पे जो डेट दिया हुआ होता है एक्सपेक्टेड डेट, हम उससे भी हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा जो होगा हमारा फंडल हाइट यानी कि हम पेट की जांच करते हैं एब्डोमिनल पल्पेशन करके, और उसका हम फिंगर से या दूसरा मेजर जो होता है मेजरिंग टेप का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि जो ये महिला आई हुई है महिला के कितने हफ्ते और कितने दिन की प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए। तो जब भी हम कोई एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो उससे पहले कुछ थंब रूल होते हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस काम के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो आपने अभी देखा, मैम ने बताया था एग्जामिनेशन ट्रे, तो एग्जामिनेशन ट्रे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैम ने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आपका वो एग्जामिनेशन ट्रे रेडी होना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव, यानी कि कोई ऐसी प्रोसीजर जिसमें दर्द हो या बिना दर्द वाली कोई भी प्रोसीजर हो, कंसेंट लेना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है तो आपको वर्बल कंसेंट जरूर लेना है। जब भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो आप महिला को जरूर से बताइए, उनसे पूछ लीजिए कि लाइक मैं ये पेट की जांच करने जा रही हूँ, इससे लाइक क्यों आप जांच कर रहे हो, जिससे कि आप पता कर पाओ कि बच्चे कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, बच्चे की धड़कन आप चेक कर रहे हो, बच्चा कितना नीचे आया ये आप चेक कर रहे हो, तो आप उससे महिला की अनुमति जरूर ले ले कोई प्रोसीजर करने से पहले। जब भी आप महिला को लेबर टेबल पे लिटाने ले जाते हो, आप सबसे पहले इंश्योर करिए कि क्या महिला यूरिन पास करके आई है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप पहले उसे बोलिए जाके वो ब्लैडर यानी कि यूरिन पास करके आए, उसके बाद आप महिला को हेल्प से मदद करके या महिला के साथ कोई अटेंडेंट है तो उसको अलाउ करिए आप, और उसको बोलिए कि वो हेल्प करके महिला को लेबर टेबल पे लिटाने में हेल्प करें, क्वेश्चन दीजिए उसको सपोर्ट करने के लिए, और अब एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उससे बोलिए कि उसको किस तरीके से अपनी थाई को फ्लैक्स करना है। और जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं आप हमेशा राइट साइड में पेशेंट के खड़े होके हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे। जब भी एग्जामिनेशन आप करते हैं तो आप उससे लगातार बात करते रहिए, नॉर्मल बातें लाइक महिला कहाँ से आई है, क्या करती है, एक क्या होगा एक अच्छा रैपोर्ट हमारा बिल्ट होता है, और इस तरीके से हमें एग्जामिनेशन को अपने आगे बढ़ाना है। जब भी आप पेट पे हाथ रखते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, हाथ को अच्छे से थोड़ा सा रगड़ के वार्म करें, उसके बाद ही आप अपने हाथ को पेट पे रखें। तो जब भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो लाइक हमें 4S का ध्यान रखते हुए हम करते हैं। जब पहले हम इंस्पेक्शन कोई भी चीज करने से पहले हम उस चीज को देखते हैं कि कैसा दिखने में क्या है कैसा है, तो सबसे पहले 4S आपको देखना है। क्या देखोगे? साइज, कि एब्डोमन का साइज कैसा है, शेप कैसा है, स्कार तो नहीं है एब्डोमन के ऊपर, स्वेलिंग तो नहीं है, ये चीजें आपको पहले ही देखना है।
देखने के बाद आप उसको पैल्पेट करोगे, पैल्पेशन, यानी जिसको हम पैल्पेशन कहते हैं। पैल्पेशन से हमें क्या पता चलता है, लाइक हम फोर ग्रीप पैल्पेट करके पता करते, चार ग्रीप क्या होता है लाइक, और फंडल हाइट। तो पैल्पेशन के थ्रू दो चीजें हमें पता चलती है, फंडल हाइट एंड फोर ग्रीप्स। अस्कल्टेशन का मतलब सुनना, अस्कल्टेशन में हम बच्चे की धड़कन सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पैल्पेशन का। तो पैल्पेशन हम कैसे करते हैं, पैल्पेशन में सबसे पहले हम फंडल हाइट चेक करते हैं। तो फंडल हाइट चेक करने के लिए आप क्या कहोगे महिला को, कि अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर ले। स्ट्रेट करने के बाद आप अपना हाथ का जो ये अलर बॉर्डर है ना, वो महिला के पेट के ऊपरी हिस्से पे रखोगे और धीरे चले कहाँ पे फंडस है, जहां पे आपको फंडस मिलता है आप वहां पे इसको, इस हाथ को आप रख सकते हैं। और आपके पास अगर इंच टेप है तो इंच टेप नीचे जो सिंफाइसिस, आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, सिंफाइसिस प्यूबिस पे आप स्टार्टिंग यानी कि जीरो रखेंगे और जहां पे आपको फंडस मिला था वहां पे आप नेक्स्ट एंड को रखेंगे। और आपको चेक करना है कि लाइक ये कितना सेंटीमीटर का है, जितनी सेंटीमीटर का, जितना सेंटीमीटर उस पर लिखा होगा लाइक 34, 36, 37, यानी कि उतने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। लेकिन इंच टेप का इस्तेमाल हम आफ्टर 24 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद ही इंच टेप का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि लाइक आप फिंगर्स का अपना यूज कर सकते हैं। आपने ये हाथ ऑलनर बॉर्डर अपने सीवी स्टर्नम से नीचे लेते हुए आए हैं, जहां पे आपको फंडस मिला, आपने फंडस पे इस पार्ट को रखा। उसके बाद आप सिंफाइसिस प्यूबिस के नीचे, आप हम मानते हैं सिंफाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वो सिंफाइसिस प्यूबिस पे हमारी होती है। सो आप फिंगर इस तरीके से रखेंगे, वन फिंगर इक्वल टू वन वीक हम मानते हैं। तो रखते हुए आपको देखना है कि कितने कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी, तीन तीन फिंगर रख के आप ऊपर की तरफ आएंगे और देखना है कि फंडस तक आपको पहुंचने में कितने हफ्ते मिल रहे हैं। जितने हफ्ता मिलेगा यानी कि उतने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। तो इस तरीके से हम फंडल हाइट को चेक करते हैं। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे कि लाइक मैंने जैसे बताया कि सिंफाइसिस प्यूबिस पे जो होता हमारा 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है, अम्बिलिकस पे हमारा 24 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, एंड जिपिस स्टर्नम पे हमारा 36 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। सो आप सिंफाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस के बीच में दो बराबर लाइन खींच सकते हैं और चार चार हफ्ते हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहली जो बराबर लाइन यानी कि 16 हफ्ते की है, उसके ऊपर 20 हफ्ता, 24 हफ्ता हमें मालूम है कि अम्बिलिकस पे होना चाहिए, फिर 28 वीक्स एंड देन 32 वीक्स। आफ्टर 36 वीक्स क्या होता है कि हमारा वो नीचे की तरफ फंडस जो होता है नीचे की तरफ, आपको 42 वीक्स, अगर 40 वीक्स होगा तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे लाइक ये 40 वीक्स है या 32 वीक्स है। तो आपको ये साइड का पाउच चेक करना पड़ता है, अगर साइड का पाउच आपको फिल हो रहा है इट मीन्स ये फुल टर्म प्रेगनेंसी है, यानी कि ये मोर देन 36 वीक्स है। 36 वीक्स के बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ हमें आना स्टार्ट हो जाता है, बट आपको साइड के पाउच को फिल करके पैल्पेट करके आपको वो पता चलेगा कि लाइक ये फुल टर्म प्रेगनेंसी है या लाइक ये 32 वीक्स है, 40 वीक्स है, इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और हम ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या क्या देखते हैं। हम तो हम लाई देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे और एंगेजमेंट देखते हैं, कैसे वो फोर फंडल ग्रिप्स का यूज करते हुए। लाई का मतलब हम देखते हैं कि बच्चा जो है हमारा किस तरीके से है, लाइक हमारा बेबी जो अंदर जो फीटस है, फीटस लाइक उसका पोजिशन क्या है, लाइक वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसका, या ऑब्लिक लाई है या ट्रांसवर्स लाई है, ये चीजें हमें चेक करना होता है। वो आप फंडस पे फिल करके आपको पता चलेगा, लाइक जहाँ पे आपको फंडस मिला उस फंडस एरिया को आपको चेक करना है, क्या कुछ सॉफ्ट सा फील हो रहा है, यानी सॉफ्ट कुछ फील हो रहा है इट मीन्स कि बेबी का बटक ऊपर है, यानी कि ये हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर आपको फंडस पे हार्ड बॉल फील हो रहा है, हार्ड टाइप का कुछ गोल सा फील हो रहा है, इट मीन्स कि बच्चे का सर ऊपर है, यानी कि बच्चा उल्टा है, यानी कि ब्रिज प्रेजेंटेशन है।
अगर फंडल पार्ट्स आपको एम्प्टी फील हो रहा है बिल्कुल और साइड में आपको फील हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो है हमारा वो ट्रांसवर्स लाई है। तो इस तरीके से हम लाई प्रेजेंट दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इस तरीके से आपको हल्का पैल्पेट करके दबाते हुए आपको ये देखना है कि फंडस में कौन सा पार्ट हमारा फील आपको हो रहा है। So, ये था हमारा ग्रिप की बात करते तो फर्स्ट ग्रिप है हमारा फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप से हमें क्या पता चलता है, लाई एंड प्रेजेंटेशन हमें। सेकंड है हमारा राइट एंड लेफ्ट लैटरल ग्रिप। लैटरल ग्रिप सब कैसे करते हैं, एक हाथ को हम दोनों साइड पे हाथ रखते, एक हाथ से हल्का सा धक्का देके दूसरी हाथ साइड्स को आपको पैल्पेट करना और पैल्पेट करके देखना है कि इस साइड पे क्या आपको फील हो रहा है। कोई कर्व सा चीज फील हो रहा है, कर्व मास फील हो रहा है, इट मीन्स कि बच्चे का बैक इस साइड पे है। अगर कुछ आपको इरेगुलर मास फील हो रहा है, इट मीन्स कि बच्चे का हाथ पैर आपका इस साइड पे है। क्यों लैटरल ग्रिप हम करते हैं, ताकि लैटरल ग्रिप से हमें पता चलता है बेबी का बैक किस साइड पे, फिटस का बैक किस साइड पे है। जिस साइड पे फिटस का बैक होता है उस साइड पे हमें FHR इजिली सुन, हम FHR इजिली सुन सकते हैं, इसलिए हम ये लैटरल ग्रिप को यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप के से हम क्या पता चलता है हमें कि नीचे के पास ये फिंगर का यूज करके आपको इस्तेमाल करते हैं, हम दो फिंगर्स का सिंफाइसिस नूबिस तरह के आपको पकड़ के ऐसे हिलाना होता है। अगर ब्लॉटमेंट हो रहा है यानी कि हिल रहा है वो नीचे का पार्ट, यानी कि अभी फिटस का जो हेड है वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स लाई होगा, ट्रांसवर्स लाई के टाइम पे वो पार्ट बिल्कुल आपको एम्प्टी फील होता है। तो पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप से हम क्या करते हैं, हमें ये पता चलता है कि फिटस का हेड एंगेज्ड हुआ है कि नहीं। अगर एंगेज्ड हुआ है तो लाइक हम फिंगर्स डाल के देखते हैं, अगर फाइव फिंगर हमारा पूरा का पूरा फाइव फिंगर कवर हो जा रहा है बेबी का हेड, इट मीन्स कि अभी ये एंगेज नहीं हुआ है, ये ब्रिम के अंदर नहीं घुसा हुआ है। अगर फोर फिंगर हमारा आ रहा है तो लाइक प्लस फोर प्लस थ्री, इस तरीके से हम इस चीज को चेक करते हैं। सेकंड पेल्विक ग्रिप हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन के लिए हम पेल्विक ग्रिप फर्स्ट को कंफर्म करने के लिए हम सेकंड ग्रिप करते हैं, जिसमें कि आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं नीचे की तरफ। और अगर आप इस तरीके से आपको करना होता है, अगर ये आपके दोनों फिंगर मिल रही है, इट मीन्स कि अभी हेड एंगेज नहीं हो रहा है। अगर ये डाइवर्ट हो रहा है, जब भी आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो बीच में आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, यानी कि हेड है, यानी कि हेड जो है नीचे ब्रेन के अंदर चला गया, यानी कि बेबी का हेड मतलब एंगेज हो गया, ये अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम जब ग्रिप आप चेक कर लेते हैं, ग्रिप चेक करने के बाद हम बेबी का या फिटस का FHR चेक करते हैं। FHR मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे हमें बैक फील होता है फिटस का, उस साइड पे ही आपको स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके, डॉपलर का इस्तेमाल करके या फिटल डॉपलर का यूज करके आप इस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हो, क्योंकि दो इमेजिनरी लाइन आपको बनानी है, उसी इमेजिनरी लाइन पे आप स्टेथोस्कोप या फिटल डॉपलर रख के आप फिटस का हार्ट रेट सुन सकते हैं। जो नॉर्मल FHR होता है हमारा वो 120-160 पर मिनट होना चाहिए। सो ये अगर हमारा लाइक आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फिटोस्कोप का 24 हफ्ते के बाद आपको क्लियर बेबी का फिटस का आपको धड़कन सुनाई देगा। नॉर्मल मैंने जैसे बताया 120-160 होता है, अगर 120 से कम हो रहा है या 160 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है कि फिटस जो हमारा फिटस डिस्ट्रेस में है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो किस तरीके से हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करना होता है, सो आपको जहां पे आपने फंडस फील किया था, फंडस के ऊपर आपको एक हाथ रखना है 10 मिनट के लिए, और आपको चेक करना है कि इन 10 मिनट में यूट्रस जो है कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको हार्डनेस, यहाँ इस हाथ में आपको हार्डनेस फील होगा, तो और जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो कितने सेकंड के लिए रहा है, ये चीज को आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि मान लीजिए 10 मिनट्स में लाइक 3 टाइम आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा लाइक 30 सेकेंड, then 35, then 40 seconds, इस तरीके से हुआ। तो जो सबसे लार्जेस्ट
आया, सबसे लार्जेस्ट जो हमारा 40 आया, सो हम उस 40 को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन हमें 10 मिनट में कितना 3 कॉन्ट्रैक्शन मिला और वो 40 सेकंड के लिए रहा। ये सेकंड्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि इससे हमें पता चले कि कॉन्ट्रैक्शन जो है माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हम कब कहते हैं, जब 1 से लेके 19 के बीच में रहता है कॉन्ट्रैक्शन, लाइक 4 कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेकिन चारों कॉन्ट्रैक्शन कुछ 15 सेकंड के लिए, कुछ 20 सेकंड, कुछ 19 सेकंड के लिए हुआ, कुछ 18 सेकंड के लिए हुआ, इट मीन्स कि वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था हमारा। अगर वही कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 20 सेकंड और 40 सेकंड के बीच में होता है, यानी कि वो मॉडरेट है। अगर मोर देन 40 सेकंड के लिए होता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब भी लाइक कोई भी महिला आपके यहाँ प्रेग्नेंट महिला लेबर पेन में है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आती है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें असेस करेंगे नी हॉस्पिटल? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है प्लीज। सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट आती है तो उसको की पेन कितना है, कब से उसको पेन है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, एंड सेकंड टाइम की उसको प्रेगनेंसी कौन सी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है सेकंड प्रेगनेंसी है, और अगर उसको सेकंड प्रेगनेंसी तो फर्स्ट उसकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, लास्ट टाइम उसकी LMP क्या है और उसको POG कितनी है, एंड उसके बाद की फंडल हाइट वगैरह वो कितना है, एंड PV एग्जामिनेशन। Very good. Thank you so much. So ये चीजें मैं आज फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग लाइक इसको थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी रखिए। आप लोग भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या जो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी आप लोग वो चीजें करते हैं, आप लोग भी उतना ही पार्टिसिपेट करिए जितना कि प्रेजेंटर पार्टिसिपेट कर रहे, तो ही जाके ये इंटरेक्टिव हो पाएगा सेशन, अदरवाइज नींद आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग तो लाइक कैमरा भी ऑफ करके रखे हुए हैं। अब ये जो भी वीडियोस हैं लाइक जो अभी आपको बताया गया OGTT का, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का, फूटल हार्ट रेट का, ये PPT मैं इस सेशन के बाद आपको अभी शेयर करूंगी, और ये सारी वीडियोस भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी आपको। ये मोस्टली वीडियोस जो है हिंदी में ही है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोगों से कि प्लीज सेफ डिलीवरी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एनिमेटेड वीडियोस आपको उस ऐप में मिलेगा और हमेशा वो आपके पास रहेगा। हिंदी बहुत से लैंग्वेजेस में, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, जो सूटेबल लैंग्वेजेस हो आपके लैंग्वेज हो आपके लिए, प्लीज आप उस लैंग्वेज में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट मेरा ये है कि बहुत से फैसिलिटी ने अभी तक कोर ग्रुप नहीं बनाया, जो कोर ग्रुप बनाई हुई है फैसिलिटी वो है डॉक्टर सपना कैली मैम का हॉस्पिटल, MKW हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल एंड स्काईलाइन हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल ने ही बस कोर ग्रुप बना रखा है। मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगी कि प्लीज आप लोग कोर ग्रुप बनाइए ताकि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो पाए। मुझे लास्ट मोमेंट पे कॉल करके बोलना पड़ता है कि ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स का टाइम इतना बिजी आवर्स होता है इस टाइम पे, सो इट्स नॉट पॉसिबल लाइक वो सबको इन्फॉर्म कर पाए, इसलिए प्लीज आप लोगों का जो भी हॉस्पिटल का ग्रुप है उसका हॉस्पिटल का नाम प्लस कोर ग्रुप कर दीजिए और उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए, सो डायरेक्टली मैं कोई भी आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मैं उस ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ। Thank you so much, Priyanka. Thank you. You have given a wonderful presentation. So next session is on next Thursday, now? Yes, clinical session 2 is on next Thursday. Okay, great. So next class mein aapka like standard number 14 and standard number 4 and standard number 6 cover kiya jayega. और रिव्यू होगा आपका इस स्टैंडर्ड्स का, तो प्लीज आप नेक्स्ट सेशन में ये तीनों स्टैंडर्ड्स पढ़ के आइएगा कि जो भी प्रेजेंटर होगा पहले इस सेशन का रिव्यू करेगा।
एंड लाइक सेल्फ असेसमेंट, बहुत से हॉस्पिटल ने अपना सेल्फ असेसमेंट कर दिया है, जिन्होंने सेल्फ असेसमेंट नहीं कंप्लीट किए हैं, कोई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक जैसे जे जे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आ रही है, वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, लाइक मुझे लग रहा है मान्यता के साइड पे कुछ इश्यू है जिसकी वजह से आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है सेल्फ असेसमेंट करने में दिक्कत आ रही है, प्लीज मुझे कॉल करिए, कॉल करके उस सेल्फ असेसमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो अभी सुनीता मैम ने स्टैंडर्ड नंबर 2 लिया, जिसमें मैम ने 7 ट्रेस के बारे में बात किया, किट्स के बारे में बात किया, तो लाइक आप पीपीएच किट, क्लैम्पसी किट, कोई भी लाइक प्लास्टिक का डब्बा या कार्टन ले सकते हैं, और उसमें वो सारी चीजें जो लिस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, क्या क्या उसमें स्टराइल चीजें होंगी, क्या क्या क्लीन चीजें होंगी, तो स्टराइल चीजें अलग और क्लीन चीजों को अलग आपको रखना है, और वो सारा ट्रेस बना के जो ग्रुप है आपका सीएससी दिल्ली ग्रुप है, उस ग्रुप में प्लीज आप लोग उस चीज को शेयर करिए, जो भी आप लोग अच्छी प्रोसीजर करते हैं, कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि ऑलरेडी वो ओजीटीटी कर रहे हैं, तो आप ओजीटीटी की एक छोटी सी वीडियोस बनाइए, उस वीडियोस को बना के आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि अगर आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बाकी सबको भी तो पता चले और हम भी उस चीज को फॉलो कर सके। ये हमारा मेन मोटो है आपको ये बात बताने का, कि जो भी प्रोसीजर है प्लीज आप छोटे छोटे वीडियोज बनाइए और उसको शेयर करते रहिए ग्रुप में। Thank you so much, everyone. Thank you, madam. Thank you. Thank you, everyone. And आपको कोई भी डाउट हो आप CSE वाले ग्रुप में लिख सकते हैं. I think Priyanka will be there to help you with it. कुछ भी confusion हो आज के session में वैसे, so you can ask in that group. Thank you, ma'am. Very nice presentation. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Very nice presentation. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you so much. Very nice presentation. Thank you, ma'am.